ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह है चुनार नगर का परेड ग्राउंड। काफ़ी प्राचीन इतिहास रहा है यहाँ का। इस ग्राउंड का अंग्रेजों के समय का बना हुआ है ये परेड ग्राउंड। वर्तमान समय में यहाँ पे बहुत सारे सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते हैं। पीएससी की ट्रेनिंग होती थी कुछ दिन पहले तक, अब तो पीएससी यहाँ से चली गई। इस समय पीडीएनडी कॉलेज के कुछ बच्चे एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, एनसीसी की परेड हो रही है यहाँ पे, कुछ सिलेक्शन भी हो रहे हैं। और ये देखिए, विपरीत परिस्थितियों में भी एनसीसी के बच्चे इंटरव्यू देंगे। अभी उनसे हम कुछ बातें पूछेंगे। यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चियाँ भी आई हुई हैं जो कि एनसीसी की ट्रेनिंग ले रही हैं। क्या होता है एनसीसी का, एनसीसी का परिचय क्या है और इस दौरान उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये हम पूछेंगे। ये देखिए हमारे सामने एनसीसी के बच्चे और कुछ बच्चियाँ जो कि अपनी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। एक सेकेंड बेटा, बेटा बताओ आप कहाँ से हो? हम सीकर ब्लॉक से हैं। क्या नाम है आपका? राजन शर्मा। जोर से बोलिए। राजन शर्मा। और क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट ईयर लड़कों को तैयार करना है। किस चीज़ के लिए? आईजीसी इंटर ग्रुप कंपटीशन। ये इसमें क्या होता है? इसमें हर ग्रुप के बच्चे आते हैं। हाँ। और वहाँ पे कंपटीशन होगा, उसके बाद आईडीसी के लिए वहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। अच्छा, और उद्देश्य क्या है आपका, जीवन का लक्ष्य क्या है, करियर क्या बनाना है? जीवन का लक्ष्य है फौज में जाना। फौज में जाना, देश की सेवा करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई मन में ये नहीं है कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ या कुछ और बिजनेस करूँ, पैसा कमाऊँ? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कुछ अपने बच्चों से परिचय कराइए हमारा, वो उनसे बात करना चाहूँगा। आप आदेश है, आप आदेश दे तो मैं बात कर लूँ। कैप्टन है अभी, ठीक है। ग्राउंड की समस्या के बारे में कैसा लगा ग्राउंड? बेटा बताओ आप कहाँ से हो? सर हम सुनौर से। कहाँ से? सुनौर से। ये कहाँ पड़ता है? सर पीरलीपुर के पास में। अच्छा, चुनार की हो आप? चुनार। कैसे आपके मन में आया कि मैं एनसीसी लूँ, एनसीसी का क्लास करूँ, ट्रेनिंग करूँ एनसीसी की? सर एनसीसी करना चाहता हूँ। किस लिए? सर फौज बननी होती है, आर्मी। आपको फौजी बनना है? हाँ। देश की सेवा करना चाहते हैं? हाँ। आपके मन में ये नहीं आया कि मैं भी डॉक्टर इंजीनियर या बिजनेस मैन बन के पैसा कमाऊँ और अपने परिवार के साथ खुश रहूँ? हम देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। ये आपके मन में समर्पण भाव है? हाँ। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? हाँ। ये कब से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं एनसीसी की? एक महीने। एक महीने से कर रहे हैं, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पे इस परेड ग्राउंड पे कुछ बच्चियाँ भी हैं जो कि बाहर से आई हुई हैं, कुछ चुनार की भी बच्चियाँ हैं। उनसे हम बात करते हैं एनसीसी के मन में, एनसीसी उनके मन में कैसे आई, क्यों आई। ज़्यादातर लड़कियों के मन में ये होता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या फिर किसी अच्छे लड़के से शादी करके अपना गृहस्थी बसाऊं, घर संभालूं, परिवार संभालूं और एंजॉय करूं, लाइफ को एंजॉय करूं। लेकिन एनसीसी, बहुत ही कम लोगों के अंदर ये भावना आती है कि एनसीसी लिया जाए। पूछते हैं क्या क्या हुआ, बट आप बताइए आपके अंदर एनसीसी लेने की भावना क्यों आई? क्योंकि हमें पुलिस में जाना है। जोर से बोलिए। पुलिस फोर्स में। दादी में बोलेंगे तो पुलिस में कैसे जाएंगे? पुलिस की आवाज़ और बुलंद होनी चाहिए। कब से ट्रेनिंग कर रही हैं? अभी एक हफ्ते से। कहाँ से आई हैं आप? चुनार, तमलपट्टी। तमलपट्टी किस स्कूल में पढ़ती हैं? ग्राम्य शिक्षण संस्थान। ये कहाँ? चुनार में ही है। ठीक है, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप कुछ बोलना चाहेंगी? हम आर्मी में जाना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं एनसीसी। आर्मी में आप जनरल सैनिक बनना चाहती हैं, ऑफिसर ग्रेड में जाना चाहती हैं? ऑफिसर बनना चाहती हैं। ठीक है, आप ग्रेजुएशन करके सीधे ऑफिसर ग्रेड में जाएंगी, कैप्टन बनेंगी? ठीक है। आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है इस ग्राउंड पे जब आप ट्रेनिंग कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? कुछ कोई भी प्रॉब्लम बता दीजिए, मतलब जबरदस्ती मत बताइए, जो आपको समझ में आ रहा है वो बताइए। नहीं, यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, वैसे भी फील्ड है बड़ा तो नहीं। फील्ड नेट जल्दी, मैं भी एनसीसी कर चुका हूँ यहाँ पे काफ़ी साल पहले, 20-25 साल पहले। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। होता क्या है कि